सालों से आग पचौली चल रही है बिजली की, तो नहीं ये चलेगा सर, ये जरा मिला भाई हमारे के बाद बगैर बिजली के भी इंशाल्लाह वहां तक करें। थैंक यू सर, सर सर को छत की चादर जी बिल पर सर। चले आप सर आगाज करें, दो दो चार बातें से हम दिन रात सर से बड़ा बात होते रहते हैं टीम साहब से। गर्मी भी है ना, कोई मसला नहीं सर, ये बड़े लोग हैं सर, छोटा सा किसी का छोटा सा बरकत भाई साहब आपके बड़े भाई ब्रिगेडियर साहब मेरे एक अच्छे दोस्त हैं और इनके जो बड़े भाई हैं कैप्टन नासिर अली महेश साहब वो भी मेरे बचपन के दोस्त हैं, यानी 20 साल से दोस्त हैं। और कैप्टन नासिर अली साहब के जो हैं ये छोटे भाई हैं ब्रिगेडियर कैसर अली महेश साहब, इनसे भी दोस्ती है, इनके बड़े भाई से भी दोस्ती है और दोनों दोनों जो है अच्छे इंसान हैं, नफीस इंसान हैं और अच्छे रहबर हैं। मैं इन दोनों के बारे में कैप्टन नासिर अली महेश साहब और ब्रिगेडियर कैसर अली हैदर महेश साहब अपने दोनों दोस्तों के बारे में ये कहूँगा, जिन्होंने ये कारवां शुरू किया है, ये अपनी मतलब आपके तहत ये काम शुरू किया है। और शहर कहते हैं अकेला ही चला था, कंटिन्यू रखें सर आप कंटिन्यू आपकी आवाज़। अकेला शहर कहते हैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। एक साल पहले इन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, यानी कैप्टन नासिर अली महेश साहब तो पहले भी थे, एमपीए का इलेक्शन वो लड़े हैं। और जी जनाब अब ऐसे कैसे हो गया जनाब, जी अब आप आ रही है सबको। सवा साल पहले इन्होंने एंट्री की, आर्मी से रिटायर हुए और उसके बाद जो है सवा साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया और आज माशाल्लाह हर तबके में, हर मसलक में और हर शोबे ज़िंदगी में जो है अपना मैसेज दे चुके हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है जो मैं भी मुतफिक हूँ, इकरार खान बलोच साहब भी मुतफिक हैं, अज़र खान अज़र मलिक साहब भी मुतमिन हैं, मुदस्सिर सियाल साहब भी मुतमिन हैं, मुबशिर सियाल साहब भी मुतमिन हैं, एहसन शाह साहब भी मुतमिन हैं, सारे लोग सारे लीडर्स जो हैं और बाकी लीडर्स को भी मैं कहना चाहता हूँ, मैसेज ये है कि सूबे का नाम जो भी हो वो मरकज़ उसका मुल्तान में हो। सूबे का नाम जो भी हो मरकज मुल्तान हो, अगर सेक्रेटरिएट भी बने तो उसका मरकज भी मुल्तान हो। करते हुए शेर कहते हैं यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहां तक तमाशबीनों में, यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए। हबीब जादव की ये शायरी है, उठा रहा है फितने जमीनों में, उठा रहा है मैं कितने जमीनों में, आखिरी उनके शहरी है यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों में। तो आप आगे बढ़े, ब्रिगेडियर साहब का साथ दें, ये सच्चे और खरे इंसान हैं। वो कहते हैं इल्म इंसान की गहरी आंख होता है जिसके जरिए से बहुत कुछ देख लेता है। अभी अज़र मलिक साहब और मैंने जब मीटिंग की इनसे तो इनकी आंखों से भी आया हो रहा था
दिल से भी यहाँ हो रहा था कि इनका जज्बा है और जज्बा जिनके अंदर हो वो फिर जो है मंजिलें उनके लिए दूर नहीं होती। इनके हवाले से मैं ये कहूँगा ये सच्चे और खरे इंसान हैं, कुतबतुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन हुनियतुल तालिबीन। हजरत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आईने जवां मर्दा हक कोयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। रुबा कहते हैं लोमड़ी को, लेकिन यहाँ रुबा के मैनी मक्कारी भी हैं। अल्लामा इकबाल का मकसद ये है कि बहादुरों और जवान मर्दों का एक असूल होता है, वो हमेशा हर मौका पर सच बोलते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। जुर्रत और बहादुरी में शेर होते हैं और खौफ और बुजदिली उनके करीब भी नहीं भटकती, लुमड़ी की तरह मक्कार नहीं होते। आईने जवां मर्दा हक कोई हो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई।